हमने किया था एसएसटी का चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम था ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्ट के बारे में हमने पढ़ा था, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ा था, टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में हम पढ़ रहे थे, ठीक है, कि मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट जो है वो कितने टाइप्स के हैं, रोडवेज, रेलवेज। आज हम करेंगे रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। कहते हैं इट मीन्स हाई कैपेसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट दैट रन्स ऑन अ पाथ विच इज नॉट फॉर पेडेस्ट्रियन और अदर व्हीकल्स सच एज टनल्स और एलिवेटर रेलवेज। कहते हैं कि इसका मतलब क्या होता है कि कैपेसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट दैट रन्स ऑन अ पाथ, जो क्या होता है कि मतलब पाथ पर चलते हैं लेकिन किसके लिए, पैदल यात्रियों के लिए नहीं होते, पैदल यात्रियों के लिए नहीं होते। कहने का मतलब ये है कि पेडेस्ट्रियन कौन होते हैं, पैदल चलने वाले लोग, ठीक है, ये उनके लिए नहीं होते। और अदर व्हीकल्स जैसे टनल्स वगैरह हो गए, एलिवेटर रेलवेज हो गए, तो ये किसके अंदर आते हैं, रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर। कहते हैं इन इंडिया रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मेट्रो एंड मोनोरेल सिस्टम। कहते हैं इंडिया में रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जो है वो कंसिस्ट हुआ है दो से, कौन सा, मेट्रो और मोनोरेल सिस्टम से, ठीक है। कोलकाता मेट्रो स्टार्टेड इन 1984। कोलकाता मेट्रो जो थी वो कब स्टार्ट हुई थी, 1984 में, वॉज द फर्स्ट मेट्रो सर्विस इन इंडिया, और ये पहली मेट्रो सर्विस थी इंडिया में। द दिल्ली मेट्रो वॉज सून टू फॉलो। उस वक्त क्या था कि दिल्ली मेट्रो जो थी वो स्टार्ट होने वाली थी, ठीक है। देन आता है मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट, कि पानी में चलने के लिए हमारे पास कौन कौन से साधन हैं। द अर्लीस्ट मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट वर राफ्ट्स एंड बोट्स। कहता जो पहले पहले जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट थे पानी में चलने के लिए वो कौन से थे, राफ्ट और बोट्स। देन स्टीम इंजन कम टू बी यूज ऑन बिग शिप्स। देन क्या हुआ कि बड़ी बड़ी शिप पे स्टीम इंजन जो है वो लगाए गए। लेटर उसके बाद डीजल इंजन फिट किए गए, ठीक है। और आज टूडे डिफरेंट शिप्स पावर्ड बाय टर्बाइन एंड इंटरनल कंबशन इंजन ट्रेवल एट फास्ट स्पीड। और अब क्या होता है कि शिप्स में टर्बाइन वगैरह जो है वो लगाई जाती है, ठीक है, कंबशन इंजन लगाए जाते हैं जिनकी स्पीड क्या होती है, बहुत ज़्यादा हाई होती है, और जल्दी हम ट्रैवल कर सकते हैं पानी में भी, क्योंकि बोट्स जो थी वो टाइम लेती थी। नेक्स्ट आता है, कहता है कार्गो शिप्स आर चीफली यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग कार्गो। कहता है जो माल गाड़ियाँ होती हैं ना, माल ले जाने वाली, ठीक है, वो कौन सी थी, कार्गो होता है माल, तो माल ले जाने वाली शिप जो थी वो चीफली यूज़ की जाती, ज़्यादा यूज़ की जाती है ट्रांसपोर्ट करने के लिए माल को। ऑयल टैंकर्स जो थी वो यूज़ किए जाते थे फॉर कैरिंग मिनरल ऑयल। ऑयल टैंकर्स को हम यूज़ करते थे मिनरल ऑयल को कैरी करने के लिए, ले जाने के लिए। द लग्जरी लाइनर्स आर यूज्ड फॉर टूरिस्ट, और टूरिस्ट के लिए क्या होती थी, लग्जरी लाइनर्स होती थी। ऑल कंट्रीज हैव अ कोस्ट हैव सी पोर्ट्स। कहता हर एक देश में क्या होता है, कोस्ट तट होते हैं, हैव सी पोर्ट्स जिन पे क्या होते हैं, सी पोर्ट्स होते हैं बंदरगाह, ठीक है, बंदरगाह होती हैं। अमेरिका, इंग्लैंड, रशिया, सऊदी अरेबिया एक्सेट्रा हैव मैनी सी पोर्ट्स। कहते हैं जैसे अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, रशिया हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, इन सब के क्या हैं, बहुत सारे सी पोर्ट्स हैं, बंदरगाहें हैं। इंडिया टू हैज़ अ नंबर ऑफ सी पोर्ट्स। कहते हैं इंडिया के भी बहुत सारे क्या हैं, बंदरगाहें हैं। कहाँ पे, मुंबई में, चेन्नई में, कोलकाता में, कोच्ची, विशाखापट्टनम एक्सेट्रा, और भी। कैनल्स, रिवर्स, ओशंस एंड सीज आर यूज फॉर ट्रैवलिंग ऑन वाटर। पानी में ट्रैवल करने के लिए किनको यूज़ किया जाता, कैनाल्स, रिवर्स, नदियाँ, ओशन, समुद्र जो थे, ठीक है, सॉरी, ओशंस, सी, समुद्र वगैरह, इन सब के थ्रू क्या किया जाता, पानी में ट्रैवल किया जाता था। अब आता है कैनाल्स क्या होते हैं। कहते हैं कैनाल्स आर रिवर्स विच हैव ग्रेटली रिड्यूस द डिस्टेंस बिटवीन कंट्रीज एंड गेव मोमेंटम टू वर्ल्ड ट्रेड। कहते हैं कैनाल्स क्या है, एक टाइप की रिवर्स ही हैं, ठीक है, जो डिस्टेंस को कम कर देती है बिटवीन कंट्रीज, दो कंट्रीज के बीच में, and have great momentum to the world trade. Two important canals are, दो important canal कौन कौन सी है, एक Suez canal, एक Panama canal. अब पढ़ेंगे हम Suez canal के बारे में। कहता है it connect the Red Sea with Mediterranean Sea. ये Red Sea को Mediterranean Sea से क्या करती है, connect करती है। और Panama canal क्या करती है, it connect the Pacific Ocean, जब Pacific Ocean को Atlantic Ocean से क्या करती है, connect करती है। The important नेविजिएबल रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड आर द अमेजॉन इन साउथ अमेरिका, सॉरी हाँ, द जोंगजी इन चाइना एंड द गंगा इन गंगा ब्रह्मपुत्र इन इंडिया। कहते हैं इंपॉर्टेंट रिवर्स जो हैं दुनिया की वो कौन सी हैं, अमेजॉन साउथ अमेरिका में, जोंगजी इन चाइना, चाइना में, गंगा ब्रह्मपुत्र इंडिया में, ठीक है। वाटर ट्रांसपोर्ट इज द लीस्ट एक्सपेंसिव। कहते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं, लीस्ट एक्सपेंसिव, बहुत
कम खर्चालू होते हैं, मतलब पैसा वगैरह ज़्यादा नहीं लगता है इनमें, बट ऑल्सो द स्लोएस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। लेकिन ये क्या होते हैं, स्लोएस्ट मतलब इनकी स्पीड बहुत कम होती है, यानी कि टाइम कंज्यूम करते हैं। देन आता है मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट, कि हवा के थ्रू चलने वाले ट्रांसपोर्ट कौन से हैं। मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट आर द फास्टेस्ट एंड द मोस्ट एक्सपेंसिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। कहता है एयर मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट, जो हवा के थ्रू हम जाते हैं, ये क्या है, सबसे फास्टेस्ट, सबसे तेज क्या है और ज़्यादा एक्सपेंसिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं। एयर ट्रांसपोर्ट हैज़ ग्रेटली रिड्यूस डिस्टेंसेज एज इट कैन फ्लाई ओवर ऑल टाइप ऑफ नेचुरल फीचर्स। कहते हैं एयर ट्रांसपोर्ट जो है, इन्होंने क्या किया है कि डिस्टेंस को बहुत ज़्यादा रिड्यूस कम कर दिया है। क्यों, एज इट कैन फ्लाई ओवर ऑल टाइप ऑफ क्लाइमेट्स। कहने का मतलब ये है कि ये क्या कहते हैं, हर टाइप की नेचुरल क्लाइमेट में, चाहे बारिश हो, तूफान हो, कुछ भी हो, उसमें क्या करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हम आसानी से जा सकते हैं। ठीक है, अब कहता है एरोप्लेन जनरली फ्लाई एट स्पीड ऑफ 800 to 1500 किलोमीटर पर आवर। अब एरोप्लेन जो है, हमारा जहाज जो है, ये एक घंटे में 800 से 1500 किलोमीटर का डिस्टेंस से कवर कर लेता है। ठीक है, लार्जर एयरक्राफ्ट लाइक बोइंग 747 और एयरबस हैव पावरफुल इंजन एंड कैन कैरी 300 to 400 पैसेंजर्स इजिली। अब कहते हैं बड़े बड़े एयरक्राफ्ट जो होते हैं, जैसे बोइंग वगैरह, ये क्या करते हैं, इनके बड़े बड़े पावरफुल इंजन्स होते हैं और ये कैरी करते हैं 300 to 400 पैसेंजर्स, ठीक है, यात्रियों को इजीली, बहुत आसानी से, आराम से। टुडे ऑल द कंट्रीज आर कनेक्टेड बाय एयरवेज। कहते हैं आजकल जो जितने भी देश हैं, जितने भी कंट्रीज हैं, वो सारी कनेक्टेड हुई हैं किससे, एयरवेज के थ्रू। इंडिया ऑल्सो हैज़ बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयरलाइंस विच कनेक्ट डिफरेंट सिटीज इन द कंट्री एज वेल एज अदर कंट्रीज। कहते हैं इंडिया में दोनों डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयरलाइंस दोनों हैं, जो कनेक्ट करती हैं अलग अलग सिटीज़ को, ठीक है, अलग अलग कंट्री की सिटीज़ को, या फिर सिटीज़ कंट्रीज़ को दूसरी कंट्री से। ठीक है, एयर इंडिया इज़ इंडियाज नेशनल एयरलाइन, वाई जेट एयरवेज, गो एयरवेज, इंडिगो, स्पाइस एक्सेट्रा आर डोमेस्टिक एयरलाइंस। कहते हैं एयर इंडिया जो है, ये इंडिया की क्या है, नेशनल एयरलाइन है, जबकि जेट एयरवेज, गो एयरवेज, इंडिगो, स्पाइस एक्सेट्रा, ये क्या है, डोमेस्टिक एयरलाइंस हैं। द प्लेस वेयर एन एरोप्लेन लैंड, कहता है वो जगह यहाँ पे क्या होता है, एरोप्लेन लैंड करता है, उसे हम क्या बोलते हैं कि वो क्या है, एयरपोर्ट है। ठीक है, द इम्पॉर्टेंट एयरपोर्ट्स इन द इंडिया आर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट दिल्ली, छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट मुंबई, सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट कोलकाता एंड मिनम बकम इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट चेन्नई। कहते हैं कि इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट जो है इंडिया के, वो कौन से, इंदिरा गांधी हो गए, जैसे छत्रपति शिवाजी हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गया, ये सब क्या हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। ठीक है, इंडिया के ऑल दिस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैव ट्रांसफॉर्म्ड द वर्ल्ड इनटू अ ग्लोबल विलेज। कहता इन सभी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ने क्या किया है, दुनिया को एक ग्लोबल विलेज में ट्रांसफॉर्म कर दिया है। ठीक है, अब आता है कम्युनिकेशन की, कम्युनिकेशन क्या होता है, द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, थॉट्स और इंफॉर्मेशन। एक्सचेंज करना किसको, आइडियाज को, थॉट्स को, या फिर इंफॉर्मेशन को, थ्रू स्पोकन वर्ड्स, बोल कर क्या करना, अपने आइडियाज को, थॉट्स को, विचारों को, इंफॉर्मेशन को क्या करना, एक्सचेंज करना, या फिर लिख कर, बिटवीन टू और मोर पर्सन, दो लोगों में या फिर दो से ज़्यादा लोगों में, उसे हम क्या बोलते हैं कि क्या है, कम्युनिकेशन है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम अपने विचार जो है, अपने आइडियाज, अपने थॉट्स, अपने इंफॉर्मेशन दो लोगों से या फिर दो लोगों से ज़्यादा में क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, बता रहे हैं उनको या उनसे सुन रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं कि क्या है, कम्युनिकेशन। एनिमल्स कम्युनिकेट थ्रू साउंड्स एंड मूवमेंट्स, वाइल ह्यूमन कम्युनिकेट थ्रू डिफरेंट मीडियम सच एज लैंग्वेज, जेस्चर, साइंस और सिंबल्स। कहते हैं एनिमल्स कम्युनिकेट करते हैं साउंड, आवाज़ से, अपनी मूवमेंट से, जबकि ह्यूमन्स जो हैं, वो इंसान जो है, वो कम्युनिकेट करते हैं थ्रू मीडियम, किन मीडियम्स के थ्रू, जैसे लैंग्वेज बोलकर, अपने जेस्चर से, साइन से, सिंबल से, इनसे वो क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। देन आता है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन की टाइप्स कौन सी हैं। कहते हैं कम्युनिकेशन इज मेनली ऑफ टू टाइप्स, कम्युनिकेशन जो है वो दो टाइप्स के हैं, सबसे पहले आता है वर्बल, दूसरा आता है नॉन वर्बल। अब वन बाय वन हम पढ़ेंगे कि वर्बल क्या है और नॉन वर्बल क्या है। सबसे पहले आता है वर्बल कम्युनिकेशन, कम्युनिकेटिंग विद लैंग्वेज इज नोन एज वर्बल कम्युनिकेशन। जब हम बोलकर, ठीक है, लैंग्वेज के थ्रू क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, अपने आइडियाज शेयर करते हैं, उसे हम बोलते हैं कि क्या है, वर्बल कम्युनिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि इट इज कम्युनिकेशन विच वी टॉक और राइट टू अदर्स। कहता है ये वो कम्युनिकेशन है जब हम क्या करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं
और राइट टू अदर्स या फिर लिखते हैं किसी को. वर्बल कम्युनिकेशन इज ऑफ फर्दर टू टाइप्स. वर्बल कम्युनिकेशन आगे फर्दर दो टाइप्स के, ओरल और रिटन. अब हम वन बाय वन पढ़ेंगे कि ओरल क्या है और रिटन क्या है. अब आता है ओरल कम्युनिकेशन क्या है. कहते हैं कम्युनिकेटिंग थ्रू लैंग्वेज इज नोन एज ओरल कम्युनिकेशन. जब हम लैंग्वेज से बोल कर किसी से कम्युनिकेट करते हैं तो वो होता है ओरल कम्युनिकेशन. फॉर एग्जाम्पल जैसे डिस्ट्रिक्ट टॉक, लेक्चर्स, टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशंस. जैसे मतलब हम बोलकर किसी को कुछ बताते हैं फ़ोन के थ्रू, टेलीफोन के थ्रू, लेक्चर्स के थ्रू, ठीक है, डायरेक्ट टॉक करते हैं किसी से, तो वो क्या होता है ओरल कम्युनिकेशन. और रिटन कम्युनिकेशन कौन सा होता है, कम्युनिकेशन थ्रू रिटन वर्ड. जो हम बोलकर सॉरी लिखकर, रिटन वंस लिखकर, जब हम अपने वर्ड्स लिखकर किसी के साथ कम्युनिकेट करें तो उसे बोलते हैं रिटन कम्युनिकेशन. फॉर एग्जांपल जैसे लेटर के थ्रू, रिपोर्ट्स के थ्रू, ईमेल्स के थ्रू, ठीक है, मैसेजेस के थ्रू, तो ये क्या होता है रिटन कम्युनिकेशन. देन आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. की नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कौन सी होती है, कहते कम्युनिकेटिंग विदाउट लैंग्वेज. जब हम बिना लैंग्वेज के, ठीक है, क्या करें किसी से अपने विचार वगैरह शेयर करें, तो वो होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. फॉर एग्जाम्पल जैसे शेकिंग हैंड विद फ्रेंड्स. जैसे हम क्या करते हैं, फ्रेंड्स से बोलते नहीं हैं, डायरेक्ट जाके हैंड शेक करते हैं, तो भाई उनको पता चल जाता है कि हमें हाई हेलो कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या हो गया हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. कन्वेइंग सम मीनिंग एंड दस हेयर कम्युनिकेशन टेक प्लेस विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ लैंग्वेज. जब हम बिना बोले किसी को क्या करते हैं, अपना मैसेज पहुँचाते हैं, ठीक है, तो वो हम उसे हम बोल सकते हैं क्या है भाई नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है. तो क्लास आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, कि कम्युनिकेशन के साधन कौन से हैं. थैंक यू एंड हैव अ गुड डे.